हराने की कसम खाई है। किसने? ब्रिटेन के नए जनरल ने। और ब्रिटेन के जनरल ने कसम खाते हुए कहा है अपने सैनिकों से, विश्व युद्ध 3 के लिए तैयार हो जाओ, वर्ल्ड वॉर 3 के लिए तैयार हो जाओ। इस रिपोर्ट के अंदर बहुत कुछ सुनने वाले हैं आप। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की वॉर अपडेट, जिसके अंदर हम आपको जंग की सारी ताजा जानकारी आसान जबान में और सबूत के साथ देते हैं। आपको बता दूं, यूक्रेन और रूस की जंग में कई देश घुसे हुए हैं, जिसमें ब्रिटेन भी है। ब्रिटेन के एक नए जनरल बनाए गए हैं और उन्होंने कसम खाई है कि वो रूस को हराएंगे और रूस को हराने वाली सेना बनाएंगे। अब नए नए बाबू जी बने हैं ना, तो नया नया बाबू जो है ज़्यादा फुदकता है। बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कही हैं और कई भड़काऊ भाषण भी इन्होंने दिए हैं। रूस को ख़त्म करने जैसी बातें कर रहे हैं और अपनी सेना को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको हंसने पर मजबूर कर देगी ब्रिटेन की अब ये बड़ी खबर। जानकारी जनरल नॉलेज के तौर पे आपको दे दूं कि 300 सालों में सबसे छोटी सेना अब तक की ब्रिटेन की है। ब्रिटेन की इतनी कमजोर सेना है कि नेपाल की सेना भी दो थप्पड़ मार के गिरा सकती है। हथियार उनके पास एडवांस है, पैसा अंधा है, लेकिन ब्रिटेन ने पिछले कुछ सालों में 73,000 फौजियों की कटौती करी है और सैनिकों पर ध्यान नहीं दिया। तो इन्हीं जर्नल ने अपने ही मुंह से इस बात को कहा है कि हमारी सेना पिछले 300 सालों में सबसे कमजोर और कम मात्रा में है, छोटी मात्रा में है। लेकिन फिर भी चूहा चल रहा है हाथी से लड़ने, कमाल की बात। डायलॉग मार के ये कह रहे हैं कि हम रूस को हराएंगे। खैर, बढ़ते हैं आगे की तरफ। यूक्रेन के निकोलाइव के शहर में अगले तारीख के 1 सितंबर से, यानी 1 सितंबर से रूस की लैंग्वेज स्कूलों में बैन कर दी जाएगी। ये जानकारी यूक्रेन की सरकार के द्वारा दी गई है। अब रूस ने नई जानकारी दी है। रूस ने कहा है कि हमने अपना मोस्ट एडवांस फाइटर जेट 5th जनरेशन का भी इस्तेमाल किया है यूक्रेन पर बमबारी करने के लिए। रूस अपने सारे हथियारों का टेस्ट मानो इस जंग में कर रहा है। वहीं पर दिल को हिला देने वाली जानकारी रूस ने दी है। रूस ने कहा है कि हमने अब तक यूक्रेन के 50 सीनियर जनरल्स को खत्म कर दिया है। जिन देशों ने अमेरिका के सुर में सुर मिलाया था, उल्टा उन्हीं की गैस पाइपलाइन को काट दिया है रूस ने, पूरी सप्लाई रोक दी है। इसमें हंगरी शांत था और हंगरी को फायदा मिला। हंगरी ने ऑफिशियली तौर से यह जानकारी दी है कि हमसे रूस ने वादा किया है कि हमें गैस और तेल की कमी किसी भी तरह से रूस नहीं होने देगा। कहां तो दुनिया यह सोच रही थी कि रूस पर पाबंदी लग जाएगी, रूस कमजोर हो जाएगा, लेकिन अब दुनिया के कई देश रूस के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, भाई साहब हमारा मत काटिएगा तेल और गैस। अब आपको बड़ी बात बता रहा हूं, कान खोल के सुनिएगा और चच्चा समझिएगा, और समझ में नहीं आ रहा है तो बगल में बैठे लौंडे से पूछ लेगा नौजवान जो है। अब थोड़ा अलग बात होने वाली है। रूस की अंतरिक्ष की कंपनी, खला की कंपनी, जो मतलब दुनिया से बाहर की बात है, उस कंपनी ने जानकारी दी है वेस्ट की कंट्रीज के सैटेलाइट और बाहर की अमेरिका की कंपनी मिलकर सैटेलाइट डेटा इकट्ठा कर रहे हैं यूक्रेन के लिए, और उस सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करके यूक्रेन रूस के खिलाफ बहुत कुछ कर सकता है। और यह भी कहा है कि अब यह जंग जमीन के साथ साथ आसमान में तो हो ही रही है, लेकिन अब यह जंग अंतरिक्ष में भी जा रही है। अब आपको बता दूं सबसे बड़ी खबर, अगर हमारे एडिटर ने सही समय पर बताया होता तो ये टाइटल हम डालते जरूर, लेकिन ससुरे ने अब बताया है बीच में, उसको बाद में मारेंगे, लेकिन पहले आपके सामने खबर फेंक दें। खबर भाई साहब ये है कि नेटो के चीफ ने डिक्लेयर कर दिया है कि हमारे लिए, नेटो के लिए, नेटो के सभी देशों के लिए मॉस्को यानी रशिया बड़ा खतरा है। दूसरी बड़ी बात ये कही है नेटो के चीफ ने
कि रूस के साथ जंग काफी लंबी चलेगी। यूक्रेन के डोनबास के इलाके में जो रूस ने कब्जा किया है उस इलाके को दोबारा से यूक्रेन को देने के लिए वेस्ट की आर्मी मदद करेगी, यानी अब कई देश यूक्रेन की मदद के लिए अपनी सेना भेज सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि डेनमार्क के इलाके में दो रूस के युद्धपोत घुसे, अब भाई साहब रोमानिया में भी घुस गए। बड़ा घुसपैठिया हो रहा है रूस, लेकिन दूसरी नजर से देखें तो बहुत दबंग हो रहा है रूस। रूस की इस हरकत के बारे में रोमानिया की मीडिया जानकारी दे रही है। स्क्रीन पे देखिए, ये रशियन के बारे में बताया जा रहा है कि इल्लीगल तरीके से अंदर घुसी थी रूस की दो समुद्री लड़ाकू युद्धपोत। अब आपको बताऊं, जिसके बाद धमकी देकर वार्निंग देके उसको पीछे किया गया। मैप के जरिए पूरी तरह से फुटेज दिखाकर ये रोमानिया की मीडिया दिखा रही है। अमेरिका ने अपना बड़ा फैसला कल ले तो लिया, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए जो रॉकेट लॉन्चर है, जितनी तादाद में यूक्रेन को देने वाला था, मान लीजिए कि 2000 देने वाला था, तो अब उसकी संख्या डबल करके 4000 देने को तैयार हो रहा है। अब यूरोपीय यूनियन का ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट संभालने वाला ऑफिसर भी कीव यानी यूक्रेन पहुंच गया है, और वहां जाने के बाद यूक्रेन के लिए बहुत सहानुभूति दिखा रहा है। देखिए, I've just arrived at the railway station in Kiev, the capital of Ukraine. I've just got off the overnight train from Przemysl in Poland. 4 months ago, I stood at that train station in Przemysl and spoke with Ukrainian refugees as they fled Russia's war of aggression in Ukraine. Today, I am doing the returning journey, retracing their steps to see for myself how the war of aggression has violated human rights, to hear from people on the ground and to talk with the authorities. दोस्तों, इसी के साथ मालडोवा की प्रेसिडेंट ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। इन्होंने कहा है कि मतलब मालडोवा के अंदर रूस की कोई वेबसाइट और न्यूज चैनल नहीं चलेगा, बैन कर दिया है। खूबसूरत चेहरे से मैडम ने बहुत गंदी बात कर दी है, वरना अच्छी बहुत लग रही है हमको। खैर, आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन के सैनिक इस बार रूस पर काफी भारी पड़ रहे हैं। दर्जनों नहीं, सैकड़ों रूसी सैनिकों को यूक्रेन के सैनिकों ने अपने गिरफ्त में ले लिया। देखिए, надо проверить мне номер, блядь. GPS был примотан неправильно. Вот это. Все, все. अब दूसरी तरफ माइकोलाइव के इलाके में रूस ने स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को ही तबाह कर दिया है रॉकेट दागकर। अब दोस्तों, ये जंग काफी खतरनाक मोड़ पर जा चुकी है। मेरी बात नहीं मानते, लेकिन मेरी बात बाद में सच हो जाती है ना, इसलिए कह रहा हूं। मानना शुरू कर दिए, समझना शुरू कर दीजिए। इराक के भी वॉलंटियर्स यूक्रेन पहुंचे हैं, यानी इराक की सेना के भी सैनिक और अमेरिकी सैनिक भी और पहुंचे हैं, और उन्होंने वीडियो के जरिए, अब जो क्लिप दिखाने वाला हूं ये देखिए, वीडियो के जरिए कसम खाई है इराक और अमेरिका के नए सैनिकों ने जो वहां पहुंचे हैं कि हम रूस को जीतने नहीं देंगे। टोचा यू मिसाइल नाम की एक मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन, जिसको रूस ने मार गिराया। We'll be right back.
वहीं पर रूस को तगड़ा झटका लगा है। आपकी स्क्रीन पर रूस के सीनियर जनरल निकोलाई एस्लेनको नाम के जो जनरल हैं, ये मारे गए हैं। जिस जगह पर यूक्रेन के अमेरिकन हॉविट्जर आया था, हथियार अमेरिका के यूक्रेन पहुंचे थे, चलते हुए युद्धपोत से रूस ने कैलिबर मिसाइल दाग दिए उस तरफ। За прошедшие сутки высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в 12:30 нанесен удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области в момент, когда там проходила рабочая. इसके अलावा इस्केंडर मिसाइल भी लगातार रूस अलग-अलग इलाकों में जा-जा कर दाग रहा है। थी अभी तक की सबसे लेटेस्ट जानकारी जंग की। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर हमारी इस वॉर अपडेट से बोर हो गए हो तो आप बता सकते हैं कमेंट में, हम ये सेक्शन ही बंद कर देंगे। ससुरा जय हिंद। तेरा बाप आया।